कि अपने लोगों को ऑर्डर ना देके दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं, उस दौरान हम लोग को जो रोजी रोटी है ना वो बहुत चलाना मुश्किल हो रहा है। ड्यूटी आवर हमारा उतना ही है, 12 से 14 घंटा ड्यूटी करना पड़ता हमें। हमारा पे आउट बनता है 600-700 रुपया। कोविड सेक्शन है जहाँ पे लोग क्वारंटाइन है, वहाँ पे कंपनी हमें पहला मैसेज डालती है कि आपको वहाँ पे नहीं जाना, आपको डिस्टेंस बनाना है। एंड सेकेंड थिंग, फिर कॉल सेंटर से हमें मैसेज आता है, कॉल सेंटर से कॉल आता है हमें कि अगर तुम उस जगह पे नहीं जाओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा। इसका मतलब साफ है कि कंपनी जानबूझ के ये हमें परेशान कर रही है, जानबूझ के हमें सता रही है, जानबूझ के लॉग आउट करती है, फिर बाद में बोलती है आपका आउट ऑफ लेटर हो गए, आपका सिम कार्ड बदलो। बातचीत हमारी हुई है, हमारे उस्मान जी से बात हुई है, तो उस्मान जी बोलते हैं आप लोग ये दादागिरी कर रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो। ये एक हमारे है राहुल करके, जो मूर्ति नगर में रहते हैं, अभी उनका 15 दिन हुआ एक्सीडेंट होके, कंपनी ने कुछ फॉलो नहीं किया ना कुछ किया, उनका पैर अभी भी जोखिम में है। स्वागत है आपका तूफान खबर में, मैं हूं रफीक शेख। आज हम मुंबई में आए हुए हैं, यहां पे स्विगी के कुछ तकरीबन 90 से 100 राइडर यहां पर उपस्थित है। इनकी कुछ स्विगी कंपनी को लेकर इनकी बहुत ही समस्या है, इसलिए आज ये लोग उपस्थित हुए। आज हमारे सामने एक स्विगी राइडर है, हम उसी से जानेंगे कि क्या समस्या को लेकर इतने राइडर एक साथ में जमा हुए, किस चीज़ को लेकर आप लोगों ने स्ट्राइक किया और कुछ लिस्ट को सारे लोग यहाँ पर जमा हुए। मेरा नाम प्रदीप है, मैं कोलाबा फोर्ट एरिया से बिलोंग करता हूँ। अभी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि स्विगी कंपनी यानी बंडल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से काफ़ी लोगों का लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोगों का घर खाना वगैरह उसके दौरान खाना वगैरह मिला है। लेकिन अभी ऐसा हालत हो गया है कि हम लोगों को ठीक से ऑर्डर नहीं मिल रहा है, ठीक से सर्व भी नहीं मिल रहा है, वो इसके हिसाब से हम लोगों को इनकम भी नहीं आ रहा है। आपका कहना है जैसे कि पेंडेमिक सिचुएशन में स्विगी की और जो जोमेटो जो भी कंपनीज है, एक साथ बहुत सारों का रोजगार इसमें चल रहा था पेंडेमिक के कारण भी, तो आपका कहना है पेंडेमिक के बाद में अभी जो है ना बहुत सारी समस्या आप लोगों को आ रही है जॉब को लेकर, इंसेंटिव और सैलरी को लेकर, और क्या क्या समस्या है उस दौरान? सो अभी देखिए कि अभी हम दो तीन वीक से हम लोग बहुत फेस कर रहे हैं कि बहुत सारे राइडर्स को ऑर्डर भी नहीं आता है, हमें भी नहीं आता है, तो थर्ड पार्टी को जा रहा है। या थर्ड पार्टी यानी कि आपको स्विगी को जैसे कि डायरेक्ट ऑर्डर आता था, डायरेक्ट इंसेंटिव और आपको मिलता था, आप डायरेक्ट मतलब थर्ड पार्टी को जा रहा है? जी जी जी, अभी स्विगी के जैसा बहुत सारे एप्लीकेशन है उन लोगों को जा रहे हैं ऑर्डर, तो हमें अभी जैसा कि अपने लोगों को ऑर्डर ना देके दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं, उस दौरान हम लोग को जो रोजी रोटी है ना वो बहुत चलाना मुश्किल हो रहा है। आप सभी का कहना ऐसा है कि जो हमको ऑर्डर पर डे दिया जाता था, पर डे इंसेंटिव और जो बेनिफिट आपको मिलता था, अभी थर्ड पार्टी मतलब कोई अदर कंपनी को डिलीवरी और ऑर्डर दे रहा है, और आपका वो पहले जो इंसेंटिव और सैलरी जो बनता था अब उस तरह से नहीं बन रहा है, आपका कहना है? जैसे समस्या एक्चुअली ऐसा है ना कि जैसे हमें ड्यूटी आवर हमारा उतना ही है, 12 से 14 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है हमें, हमारा पे आउट बनता है 600-700 रुपया। एंड दिन को दिन जैसे आप देखते जा रहे हो पेट्रोल का दाम 110 रुपया चल रहा है। कंपनी पहले हमारा आईडी था 35-40 का, उसके बाद में 15 का की, 15 के बाद आज 20 का आईडी है हमारा। 20 के आईडी में भी ऐसा हो रहा हमारे साथ कि जैसे किलोमीटर हम ज़्यादा जाते और कंपनी पेमेंट उतना ही देती है हमें, पे आउट उतना ही देती है, और खाली बोलती है कि हाँ आपका पे आउट बढ़ा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोविड में काम कर रहे हैं, हम जहाँ पे कोविड सेक्शन है, जहाँ पे लोग क्वारंटाइन है, वहाँ पे कंपनी हमें पहला मैसेज डालती है कि आपको वहाँ पे नहीं जाना, आपको डिस्टेंस बनाना है। एंड सेकेंड थिंग, फिर कॉल सेंटर से हमें मैसेज आता है, कॉल सेंटर से कॉल आता है हमें कि अगर तुम उस जगह पे नहीं जाओगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा, अगर आप पार्सल कस्टमर तक नहीं पहुँचाते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। एक तो कंपनी पहली बार दो मुंह की बात करती है, कंपनी एक बोलती है कि आपको जाना पड़ेगा, कंपनी बोलती है कि नहीं आप सोशल डिस्टेंस बना के रखो, तो हमें ये सब चीज़ों से बहुत तकलीफ होती है। सेकेंड थिंग, हमारी पे आउट पहले अच्छी खासी बन जाती थी, 12 घंटा ड्यूटी भी करते थे हम, इसमें ना हमें लंच ब्रेक मिलता है ना कुछ डिनर ब्रेक मिलता है, कुछ भी नहीं, कंटिन्यू 12 घंटा हमें लॉगिन रहना पड़ता है। सेकेंड थिंग, कंपनी हमें आउट ऑफ जोन में भेजती है, जैसे अभी हमारा कोलाबा फोर्ट का जोन है आउट ऑफ जोन, जैसे मुंबई सेंटर ग्रैंड रोड मलबार हिल जोन भेजती है, तो हम वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ से हमें रिटर्न ऑर्डर नहीं देती है कंपनी। जैसे हो गया 5 से 6 किलोमीटर का हमें 40 से 50 रुपये कंपनी देती है, एंड कंपनी का उस पर फिर डिस्प्ले पे लिख के आता गो टू योर जोन, अगर आप जोन में नहीं जाओगे तो आपको कंपनी लॉग आउट कर देगी। एंड कंपनी लॉग आउट करती है तो 15 मिनट के बाद, अगर कंटिन्यू 15 मिनट कंपनी हमें लॉग आउट करती है, तो हमारा जो दिन का 250-300 इंसेंटिव बनता है, जो हमारा वीकली इंसेंटिव बनता है, कंपनी वो भी माइनस कर देती है। इसका मतलब साफ है कि कंपनी जानबूझ के ये हमें परेशान कर रही है, जानबूझ के हमें सता रही है, जानबूझ के लॉग आउट करती है, फिर बाद में बोलती है आपका आउट ऑफ लेटर हो गए, आपका सिम कार्ड बदलो, मोबाइल बदलो। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो जियो का भी सिम यूज़ करते, एयरटेल का भी करते, वोडाफोन का भी करते,
सबको यही दिक्कत आ रही है, रिटर्न ऑर्डर नहीं देती, आउट ऑफ जोन में भेजती है कंपनी, डायरेक्ट बार बार यही बोलती है कि आपको करना है तो करो, नहीं करना है मत करो, डायरेक्ट यही बोलती है। एंड थर्ड पार्टी को ऑर्डर देती है, जैसे कि साइड इफेक्ट्स हो गया, हम बाइक वाले आईडी है हमारा 20 का, साइड इफेक्ट्स को देती है 55 रुपीज, जो किलोमीटर हम मारते हैं 20 रुपीज में वही 55 रुपीज में साइड इफेक्ट्स को स्विगी कंपनी दे रही है। सेकेंड थिंग ऐसा हो रहा है कि जैसे हम 4 घंटे में 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर हो रहा है हमारा, और साइड इफेक्ट्स को 10 से 12 ऑर्डर स्विगी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एंड हमारे राइडर को मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ मोबाइल में, जैसे कि बहुत से ऐसे हमारे राइडर हैं जो कि 5-5, 6-6 घंटा लॉग इन होकर उनका 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं टोटली 3 ऑर्डर हुआ है 5.5-6 घंटे में। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक मेरा प्रश्न है, जैसे कि आप कह रहे थे, देखिए इतने सारे राइडर जो मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है, जो पेंडेमिक के दौरान इन्होंने दिन रात दौड़कर अपने स्विगी कंपनी के लिए काम किया और मेहनत किया, तो वो कंपनी उस टाइम पे उनकी ज़रूरत थी इसलिए इनको इस्तेमाल करा किया जा रहा था। तो अब आपका जैसे कि इनकी एक मांग है, जैसे कि अब हमको उस तरह से ना इंसेंटिव मिल रही है, ना ही उस तरह से हमको कोई पे आउट मिल रहा है ताकि इनका घर परिवार चल सके, और इस ऐसी बढ़ते पेट्रोल के दामों में इन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना है। और क्या समस्या आपकी? समस्या वैसे देखा जाए तो बहुत है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कंपनी नहीं सुनती है, कंपनी का ऑनलाइन जी फॉर्म भरा जाता है, अगर कोई समस्या हो तो आपको कंपनी कॉल करेगी, कंपनी कॉल भी नहीं करती है। आज कुछ दिन से ऐसा घटना घटी है कि 2 से 3 दिन हो गए सबके मोबाइल से जी फॉर्म हटा दिया गया है, ऑफिस बंद है, ऑफिस में हम जाएंगे तो ऑफिस वाले बोलेंगे हमसे कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पे खाली ज्वाइनिंग करते हैं, पैसा लेते हैं लड़कों से, हम खाली यहाँ पे राइडर ज्वाइनिंग करते हैं, बाकी तुम्हारा समस्या कुछ भी नहीं करेंगे, तुम जी फॉर्म भरो। हम जी फॉर्म भरते हैं तो जी फॉर्म वाले जो है भाई घर पे बैठ के काम करते हैं वो भी कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं देते, ऑर्डर मैनेजमेंट टीम से उन लोग भी घर में बैठ के काम करते हैं वो भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। टोटली मतलब मेहनत हमें करना है रोड पे जिसका हमें फल टोटली मिल नहीं पा रहा है। जैसे कि देखिए आप कितनी इनकी बड़ी गंभीर समस्या है और जिनका इनको सपोर्ट भी नहीं है कंपनी का, तो ये तकरीबन 100 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो चाहिए कि ऐसे कंपनीज के ऊपर कार्रवाई हो। और कुछ समस्या है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी समस्या लेकर चल रहे हैं, तो हम और एक दो से जानेंगे। और बता सकता हूँ मैं सबसे बड़ी बात, स्विगी के जो कस्टमर ऑर्डर करते हैं स्विगी ऐप से, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कभी भी ध्यान दीजिएगा, स्विगी कंपनी जो है एक ऑर्डर का मिनिमम 3 से 4 किलोमीटर का 90-100 रुपीस पे कर लेती है, एंड राइडर को देती है उसका आधे से भी आधा, मिनिमम 25% राइडर को 25% देती, 75% खुद स्विगी कंपनी घर बैठे खा रही है, एंड राइडर को पूरा पे आउट भी नहीं आ रहा है। तो स्विगी कंपनी से आपको क्या मांग है, क्या डिमांड है, ऐसी सबको लेकर क्या डिमांड करना चाहते हैं आप? स्विगी कंपनी आप बोलोगे, कंपनी से एक्चुअली डिमांड हमारा ये है कि जिस तरीके से हम पहले काम कर रहे थे, या तो हमारी 35 वाली 40 वाली आईडी करें, जो मंथली हमें इंसेंटिव आ रहा था वो दे, बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें एमजी हमें दे, टोटली जैसा पहले की फैसिलिटी थी वो फैसिलिटी करे, क्योंकि हम काम टोटल उतने ही घंटा हम लॉगिन रहते 12 घंटा, एंड अभी हमें ऐसा पोजीशन ऐसा समय देखना पड़ रहा है कि सुबह 8 बजे 9 बजे हम लॉगिन करते हैं, रात को 2 से 2:30 बजे तक लॉगिन रहते हैं, 17-18 घंटा तो हमारा जाके 1000-1200-1300 रुपये बन रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से बन रहा है। एंड कंपनी एक दिन ऐसा ऑफर देती हमें कि कंटिन्यू ये ऑफर आपको रहेगा 4 दिन 6 दिन रहेगा, मैसेज नहीं भी डालती है तो वो ऑफर हम देती है, फिर बीच में अचानक ऑफर भी बंद कर देती है हमारा, जैसे कि अभी हम बीच में ऐसा हुआ कि कंपनी एमजी चालू की थी 20 ऑर्डर पे 1250 रुपये राइडर को दे रही थी कंटिन्यू, एंड बीच में मैसेज कंपनी नहीं डालती थी तो उसका भी एमजी देती थी भर के, तो अभी आज सैटरडे संडे से मंडे से ऐसा होने लगा कि एमजी बिल्कुल नहीं दे रही है, लड़के 20 ऑर्डर मार के चले जाते हैं उनको कोई परिणाम नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं, 700-800 रुपये खाली बनता है 12 से 14 घंटे में। तो इस मुद्दे को, इस समस्या को लेकर आपने स्विगी के किसी कंसर्न पर्सन से या कोई एचआर के से बातचीत हुई? बातचीत हमारी हुई है, हमारे उस्मान जी से बात हुई है, तो उस्मान जी बोलते हैं आप लोग ये दादागिरी कर रहे हो, आप लोग गलत कर रहे हो, ये आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हम कुछ नहीं, हम ना गलत कर रहे हैं ना हम दादागिरी कर रहे हैं, हम हमारी मांग पे अड़े कि जैसा पहले जो था हम जितना मेहनत कर रहे हैं, हम आज के तारीख में देखा जाए तो 8 से 7 घंटा अगर कोई भी ड्यूटी करता है, मजदूरी भी करता है, तो उसको 500 रुपया पगार आती है, और हम है जो कि 110 रुपया लीटर पेट्रोल प्लस 1 लाख की गाड़ी लेके हम रोड पे चलते हैं, कल के दिन ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ कोई हमें उड़ा दे या कुछ भी कर दे, कोई भी हादसा, एक हमारे है राहुल करके जो मूर्ति नगर में रहते हैं, अभी उनका 15 दिन हुआ एक्सीडेंट होके, कंपनी ने कुछ फॉलो नहीं किया ना कुछ किया, उनका पैर अभी भी जोखिम में है, वो पैर उनका टूटा हुआ है,
जिसके ऊपर कंपनी ने उन्हें कोई रिप्लाई अभी तक नहीं दी है। बस इसके बाद आप अगर आप चाहते हैं तो इसके बाद अगला अपना स्टेप क्या होगा, जो कंपनी से बात चल रही है कि आप गुंडागिरी कर रहे हैं, इस तरह से आपको धमकी देने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये सारे राइडर्स अभी आने वाले दौर में आप किस तरह से स्टेप लेना चाहोगे? आने वाले स्टेप में हम ये करना चाहते हैं कि कल सुबह 10 बजे परेल में हमारी ऑफिस है, हम सभी राइडर 1200 राइडर हैं, हम बांद्रा एरिया से है, भाईखल्ला एरिया से है, कुलावा फोर्ट एरिया से है, चौपाटी एरिया से है, अंधेरी एरिया से है, ये सब राइडर हम कल परेल में जाएंगे जहाँ पे हमारी ऑफिस है, वहाँ पे हम जाके वहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन जो भी करना हमें करेंगे। अगर उस बात भी अगर कंपनी कुछ रिस्पांस हमें नहीं देती है तो फिर हम समस्या हम हमारा कंटिन्यू रखेंगे, हम कुलाबा फोर्ट में जो भी रेस्टोरेंट जितना है टोटली हम रेस्टोरेंट को हम राइडर से टोटली सील कराएंगे, वहाँ पे से एक भी ऑर्डर ऑनलाइन स्विगी या साइड इफेक्ट्स कोई भी उठाने नहीं देंगे किसी भी राइडर को, साइड इफेक्ट्स का हो या चाहे स्विगी का राइडर हो, चाहे वो प्राइम आईडी हो चाहे जो भी आईडी 40 वाला हो। तो आपका कहना है कि अगर इस तरह से जो आपकी मांग है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपका घर चलाने का परिवार का जो खर्चे और रकम का जो मांग है, अगर वो पूरी नहीं है तो आप उस पूरी तरह से सभी राइडर को मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि जॉब ना करें और ना ही उनको सहयोग करें, और अगर इस तरह से ये मांग पूरी नहीं करो तो आप कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहेंगे? कंपनी के खिलाफ तो एक्चुअली ऐसा है ना, कुछ एक्शन नहीं ले सकते हम, क्योंकि कंपनी कहीं दिखती नहीं है, ये जब से ऑनलाइन चालू हुआ है, चलो अच्छी बात है ऑनलाइन चालू हुआ है, ऑनलाइन बिजनेस है, बट इसके ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। जिसको हम फोन करेंगे वो बोलेंगे इसका ऑफिस नहीं है, इसका कुछ नहीं है, परेल ऑफिस में जाएंगे तो उन लोग हाथ ऊपर कर देते कि हमसे कोई मतलब नहीं है, आप जी फॉर्म भरो, हम जी फॉर्म भरते हैं तो उसका कंपनी कोई रिप्लाई नहीं देती है, खाली जो भी है कंपनी के जो भी मैनेजर है जो भी ऑर्डर मैनेजमेंट टीम है खाली घर में बैठ के फोकट का पगार ले रही है। कि आप कह रहे हैं कि परेल में आपका ऑफिस है, आप मिलने और मुलाकात करने के लिए जैसे अगर जाते हैं तो कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करता है इस चीज को लेके, तो वो बात करना नहीं चाहता, आपको जो करना है वो ऑनलाइन करो ऐसी आपको, एंड ऑनलाइन में भी हमें कोई रिप्लाई नहीं आती सर। आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे हम लोग कल ये शुरुआत जो हुई थी चौपाटी जोन से स्टार्ट हुई थी, और चौपाटी जोन से स्टार्ट हुई, अभी हमारे कुलाबा वाले भाई ये लोग भी हमारे सपोर्ट में आ गए, और हम लोग ने परेल ऑफिस में हम लोग ने बोले वहाँ पे उस्मान सर थे उनसे रिक्वेस्ट किए कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे, क्या है हमारी जो मांगे वो पूरी कर दो, बोले हम नहीं कर सकते, जो हमारे से होएगा हम पूरी करें, तो हम लोग ने बोले हम लोग स्ट्राइक करेंगे, और वो स्ट्राइक पे इतने लोग सपोर्ट में आए, बांद्रा तक स्ट्राइक पहुँच चुकी है, और कल सुबह हम लोग का ये बोलना है कि 10 बजे सबको स्विगी वालों को परेल पहुँचना है, कल कोई भी ऑनलाइन नहीं आएगा, कल सब सुबह 10 बजे परेल ऑफिस पहुँचेंगे। जैसे कि आपने देखा स्विगी के राइडर यहाँ से लेकर पूरे मुंबई में ये लोग चाहते हैं कि इस तरह से स्विगी कंपनी के ऊपर मतलब कुछ एक्शन ले ताकि हमारी मांग को और हमारी समस्या को पूरी कर सके। मैं भी सरकार से प्रशासन से चाहूँगा कि इनकी समस्या को देखें, जैसे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी और हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादाजी, और ऐसे 100 से लेकर यहाँ सिर्फ कुलाबा क्षेत्र के तकरीबन 100 राइडर है मुंबई में, ऐसा मुंबई में तकरीबन 1500 तो राइडर होंगे, उससे कई ज़्यादा होंगे, रोजगारों पे बेरोजगार का थप्पड़ मारकर बड़ा ही बुरा काम करिए स्विगी। स्विगी पे चाहिए कि ऐसे वर्कर का साथ दे और इनको फिर से वही जो पेंडेमिक में चला रहा था इस्तेमाल किया जा रहा था उनको उसी तरह से इनकी इंसेंटिव और सैलरी दे ताकि घर परिवार चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।